प्रकाश अंबेडकर की अगुवाई में वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल सिटीजन रजिस्टर के विरोध में आज महाराष्ट्र बंद बुलाया है। प्रकाश अंबेडकर ने दावा किया है कि उनके बंद को समर्थन मिल रहा है और खासतौर पर मुस्लिम इलाके इस बंद में पूरी तरह से शामिल है। प्रकाश अंबेडकर ने साथ ही यह भी दावा किया कि लोग अपनी मर्जी से बंद में शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र में पुलिस प्रशासन ने किसी भी हालात से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। बहुजन अघाड़ी द्वारा महाराष्ट्र बंद करने का जो फैसला लिया गया था उसके समर्थन में कई जो दुकानें यहाँ बंद हैं, उसके अलावा जो यहाँ पे एजिटेशन हो सकता है उसके संभावित स्थितियों को देखते हुए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि जो है वो रॉड्स कंट्रोल की टीम जो है यहाँ पे पहुँच चुकी है। QRT क्विक रिस्पॉन्स टीम भी यहाँ पे मौजूद है जो कि हर स्थिति से निपटने का काम करेगी। और सबसे अहम बात यह है कि अलग अलग जगहों पर जो कई पैचेस हैं उन पैचेस में ये डिप्लॉयमेंट लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की स्थितियां गंभीर ना होने पाए। कुछ इलाकों में छिटपुट घटनाएं हुई हैं मुलुंड में, इसके अलावा जो घाटकोपर में वहाँ पर भी कई जगहों पर छिटपुट घटनाएँ हुई हैं, उसके मद्देनज़र ये डिप्लॉयमेंट जो है वो चेंबूर के इलाके में लगाया जा रहा है। ये बहुजन अघाड़ी का एक बेस माना जाता है और निश्चित तौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि ये पूरा डिप्लॉयमेंट जो है वो किस तरह से हर गली में और इस वक्त चेंबूर स्टेशन की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, जहाँ पर स्थितियाँ कंट्रोल करने की जो है कोशिश की जा रही है। कई जगहों पर छिटपुट लोग जो थे वो ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने में, सेवाएँ ठप करवाने में जुटे हुए थे, उसके मद्देनज़र यहाँ पर ये डिप्लॉयमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये वॉलंटरी बंद है और इसलिए व्यापारी इसमें सहयोग दे रहा है, टैक्सी वाले हैं, ओला वाले हैं, बेस्ट वाले हैं, ST वाले हैं और ऑफिस गोअर्स जो है वो इसमें काफ़ी बड़ी पैमाने पर साथ दे रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। मुस्लिम इलाके तो बंद होंगे ही क्योंकि NRC के खिलाफ वो काफ़ी बड़ी संख्या में रास्ते पर उतरते हैं, तो जितने मुस्लिम इलाके वो तो पूरी तरह से 100% बंद है उसमें।